हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कमेंट की। कमेंट ये है कि भाई, लड़की को किश करने के लिए कैसे अट्रैक्ट करें, उसे परमिशन मांग कर किश करें या विदाउट परमिशन, कोई ट्रिक बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको एक बात समझनी होगी कि किश करने में ट्रिक का इस्तेमाल करना जो है ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, ख़तरनाक क्यों हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखो, अब आप पूछोगे कि भाई हमने ट्रिक के साथ में टिप्स भी मांगे हैं। बिल्कुल, वो मैं आपको दूंगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, ट्रिक का सीधा सा मतलब क्या है कि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहला इम्पैक्ट हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ, मान लो आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है ना, और दोनों अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो आपका जो पार्टनर है उसका खुद का भी एक ड्रीम हो सकता है ना। हो सकता है वो भी आपको किश करना चाह रहा हो, है ना, उसके दिल में भी हो और आप भी ऐसे ही चाहते हो, लेकिन आपने ये सडन कर दिया, ठीक है, आपने बताया नहीं, अनएक्सपेक्टेड कर दिया, शॉर्टकट निकाला और कर दिया आपने। तो इससे क्या होगा कि आपका पार्टनर अगर प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए, तो ये उसके लिए हो सकता है नया हो, है ना, चौंकाने वाला हो, और वो इसका एंजॉय ना कर पाए, और जो उसने एक ड्रीम बना के रखा था, एक जहन में संजो के रखा था कि आपके साथ उसका फर्स्ट किस कैसा होगा, उस पर आपने पानी फेर दिया। हो सकता है कि ये आपके साथ जो किस है ना, ये उसका पहला किस हो, उसके लाइफ का ही फर्स्ट किस हो। सो इट इज़ वेरी स्पेशल। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शॉर्टकट मत निकालना। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको करने से एक नुकसान हो सकता है। मान लो आपका रिलेशनशिप एक महीने का ही है, ठीक है, और अगर ऐसा है, आपने ऐसा कर दिया, तो फिर तो कोई भी लड़की आपको समझेगी कि ये तो हवस का पुजारी निकला, इसको हमने कुछ और ही समझा था, पर ये तो कुछ और ही निकला, तो इस इंसान को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा, बट इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो ब्रेकअप अगर नहीं कराना चाहते हो तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो एक बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे आपको टिप्स का इस्तेमाल करना है। टिप्स मैं देने वाला हूँ आपको, ठीक है। देखो, टिप्स क्या हो सकता है, सबसे पहली बात क्या है, अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल एक काम करो, आपको जो भी चाहिए ना, जिससे भी चाहिए, उससे जाके पूछ लो ना, उससे मांग लो, ठीक है, उससे ले लो परमिशन, ठीक है, उससे पूछो, उससे अपने अपनी जो फीलिंग्स है उसे एक्सप्रेस करो, उसके सामने बोलो कि हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। अगर वो इंसान कहता है नो, तो इसका मतलब हुआ नो, ठीक है, आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को ट्रूली लव करते हो, ठीक है, तो आपको रुक जाना चाहिए। नहीं करते फिर तो एकदम रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी होगी, अगर मान लो जवाब हुआ हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल जो आपको चाहिए वो मिल गया, और इसे अच्छे से प्लान करके करो फिर, ठीक है। अब ये ट्रिक में नहीं आएगा, तो एक पहली चीज़ क्या है कि आपको परमिशन लेना चाहिए, पूछना चाहिए, ठीक है, विदाउट परमिशन नहीं। ये कुछ दिनों की बात नहीं है, आपकी मैरिज हो जाए फिर भी आपको कुछ खास चीज़ें हैं जिसके लिए परमिशन लेना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ये स्पेशल चीज़ें हैं, इसके लिए ले सकते हो, किसी को स्पेशल महसूस कराने के लिए, ठीक है ना। तो ये इस बात का आप याद रखना, अगर आप परमिशन लेते हो तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में कोई ऐसा करता नहीं है। तो परमिशन लेना जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ये गुड फील कराएगा, और ये आपको उस लेवल पे लेके जाएगा जहाँ कोई नहीं है, आज के डेट में ऐसा कोई करता नहीं है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आपको परमिशन लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है भाई, परमिशन दो चीज़ों की ले सकते हो, एक तो किश करने की, एक है हग करने की। बात यहाँ पे समझना, किस करने की डायरेक्ट परमिशन मत लेना, ठीक है, यहाँ मत जाओ, क्योंकि किस एक माहौल में होता है, वो माहौल बनाने के लिए मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप बोलो कि मुझे आपको गले लगाना है। तो अगर हग करने की परमिशन मिल गई तो फिर इससे होगा क्या कि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, और इस एनवायरनमेंट, इस सेंसेशन के दम पे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर भी आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट परमिशन नहीं जाना, ठीक है। तो और एक बात ये भी है कि हग करने के लिए आपको बहुत जल्दी हाँ कर दिया जाएगा, इसके चांसेस हाई होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हग करना लड़कियों को बेहद पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्यार को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो ये चीज़ हो गई, आपको ध्यान रखना चाहिए।
तो ये हो गए मेरे दो पॉइंट्स ज़बरदस्त। मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। एक पॉइंट है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर लो ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव थॉट है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ के कुछ आकृति इस प्रकार बनाओ जैसे लिप्स हो, ठीक है, और अपने उंगलियों के मदद से, और उसको आंखें बंद करके किस करने की कोशिश करो। बचकाना हो सकता है, बट मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ये कारगर तरीका है। आंख बंद करके किस करो, अज्यूम करो कि वो आपका पार्टनर है, उसका लिप है, और इस तरीके से आप कुछ बारी करो, ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, और जो आपने मैनिफेस्ट किया है बहुत जल्दी वो धरातल पर उतर जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बता दिए, जैसा मैंने आपको डोज बताया वैसे डोंट्स भी बताएं, क्या नहीं करना है उनको भी अपने दिमाग में रखेगा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कोई भी आपकी प्रॉब्लम है मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉल मी फोर ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिसको इंस्टॉल करके क्लिक कर लीजिएगा और मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।